गुड इवनिंग मैम. मैम मुझे न्यू मून मेडिटेशन का एक्सपीरियंस शेयर करना था. मुझे क्लासेस ज्वाइन करके 3 मंथ्स हो चुके हैं. जब मैंने फर्स्ट मंथ ज्वाइन किया था क्लास, तब सेकेंड डे ही आपने मून मेडिटेशन करा रहे थे. मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था मून मेडिटेशन का, न्यू मून मेडिटेशन का. तो जिस दिन आपने न्यू मून मेडिटेशन करा रहे थे, उस दिन मुझे बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस हुआ था. वो होली के एक दिन पहले वाला दिन था. आपने हमें करवाया था मून मेडिटेशन. सी के पास ले गए थे आप मून की रोशनी के सामने, और आपने हमें फिर वहाँ पर ठहराया और अपने डीएम को बुलाया. जैसे ही मैम आपने कहा ना कि अपने डीएम को बुलाओ, वो जैसे ही मेरे डीएम आए, एक उनके साथ ना मैम 4 ऐसे बड़े एंटिटीज़ आए जो बहुत डरावनी से थे. मैंने देखा उन्हें और वो ना हमें साथ ठहरने नहीं दे रहे थे. तो मैंने क्या किया, आप मेडिटेशन करवा रहे हो और मेरे मेडिटेशन हो ही नहीं रहा है, ये लोग हटा रहे हैं हमें. तो मैंने ना ऑरा क्लेंज, ऑरा प्रोटेक्शन किया, जैसे आपने बताया था फर्स्ट डे. मैंने ऑरा प्रोटेक्शन किया तो वो थोड़े दूर हटे, बट फिर भी ना मैम वो ना पास आ ही रहे थे. तो फिर मैंने बहुत मुश्किल से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा प्रोटेक्शन बनाते गई आप मेडिटेशन करवा रहे थे. फिर आपने बताया था कि वहाँ पर एक आग लगी है, जाकर अपने जो भी ब्लॉकेजेस है, अपना ट्विन का हाथ पकड़ो और जाओ, जाकर अपने ब्लॉकेजेस जो भी हैं अंदर किए वो निकाल कर उसमें डालो. और जब मैंने अपने ट्विन का हाथ पकड़ा और हम जा रहे थे मैम, वो लिटरली हम दोनों को अलग कर रहे थे. मैंने इतना, मैं फिर गॉड का नाम लेती रही, यूनिवर्स का नाम लेती रही. फिर इतना मुश्किल से मैंने अपने ब्लॉकेजेस डाले, वो लोग डालने ही नहीं दे रहे थे. फिर मैंने क्या किया, मुझे एक अचानक से ना एक आवाज़ आई कि उन लोगों को मारो करके. मतलब मुझे ऐसा आइडिया आया, पता नहीं कुछ हुआ था, तो मैंने उन लोगों को पंच मारने लग गई ना. तो फिर वो लोग हटे दूर. बहुत मुश्किल से मैंने वो मेडिटेशन किया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ है, और मैं डर सी गई थी थोड़ा. फिर मैंने आपसे शेयर भी नहीं किया था ये. फिर मैंने नेक्स्ट डे आपने पूछा था सबसे, और आपने फिर मुझसे भी पूछा था. तो मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया था, तो आप मुझे डांटे थे कि क्यों नहीं बताया यस्टरडे, कल ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते कर. मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था ये सब चीज़ें क्या है, क्या हो रही हैं करके. फिर आपने बताया कि हाँ, आपके लाइफ में दो तीन लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं आपके साथ, आप और आपके डीएम साथ ना रहे करके. फिर आपने क्लासेस में वो चीज़ों को हटाया धीरे धीरे करके. फिर मैम सेकेंड मून मेडिटेशन में जब मैं आई, जब इतना चेंज हो गया, मुझे वो लोग नज़र ही नहीं आए. और सेकेंड मून मेडिटेशन में ही मैम, जब आपने हमें फिर डीएम के साथ फिर आसमान पे ले गए, जब हेवन में ले गए, जब आपने कहा कि वहाँ एंजल्स हैं उस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हमारी सोल मर्जिंग करवाई आपने, इतना ब्यूटीफुल हमारी सोल मर्जिंग हुई वो सेकेंड मून मेडिटेशन के बाद. मैम फिर मैंने अपने डीएम को अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दिया था. फिर थर्ड मेडिटेशन में मैम, मैं और मेरे डीएम हेवन में ना मैम, हम लोग उड़ रहे हैं. हम लोग का ना, हम लोग जब जा रहे हैं, लोग हम वहाँ ठहर कर हमें इनवाइट कर रहे हैं एज ए कपल. वहाँ पर पता नहीं कौन से लोग थे, वो सारे वाइट एंजल्स बड़े बड़े ड्रेसेस में, और फिर उन लोग के पर लगे थे, वो लोग ना वेलकम कर रहे थे मुझे और मेरे डीएम को थर्ड मून मेडिटेशन में. तो मैम मैं हमेशा इतनी एक्साइटेड होती हूँ मून मेडिटेशन में, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सा एक्सपीरियंस होता है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. मुझे तो पता ही नहीं था कि मून मेडिटेशंस में इतने सारे हमारे नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो भी क्लियर होते हैं करके. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम.